राधे राधे, गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम आप लोगों को। इस वर्ष के मध्य में जो श्रावण मास है, सावन का महीना 2 महीने का हो गया है। जो 2 मास का सावन है, उसमें शुद्ध महीने के मध्य में जो 1 महीना एक्स्ट्रा अलग से आ जाता है, उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो इस बार के सावन में पुरुषोत्तम मास 1 महीने के लिए पड़ा है, और यह पुरुषोत्तम मास मंत्र तंत्र सिद्धि रिद्धि दान पुण्य तीर्थ सेवन सेवा सत्कर्म निष्ठापूर्वक करने से फल बहुत सुंदर प्राप्त होता है, और साधक को इसका लाभ लेना चाहिए। इस बार के दोनों सावन के महीने में आश्रम में लगातार 2 महीने तक भगवान शिव का अनुष्ठान उपासना और उनके जैसे पंचाक्षरी मंत्र का जाप है, बिल्वार्चन है, शिव सहस्त्र नाम है, शिव महिमान स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, रुद्राष्टक स्तोत्र है, इस प्रकार से महारुद्राभिषेक और ये सारे स्तोत्र और 108 कलशों के द्वारा जमुना जी के जल से भगवान शिव का नित्य अभिषेक, रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद 108 कलश से अलग से अभिषेक होगा। तो यह अनुष्ठान पूरे 2 महीने चलेगा। अब इसके बीच में पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास का जो कृष्ण पक्ष है, उसमें विष्णु पुराण की कथा पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ, नारायण कवच, वासुदेव मंत्र जाप, दशावतार स्तोत्र का जाप, त्रिविक्रम स्तोत्र का जाप और विष्णु षोडश नाम स्तोत्र का जाप, विष्णु सतनाम का जाप, नारायण मंत्र का जाप, इसका अनुष्ठान चलेगा। जो शुक्ल पक्ष है श्रावण मास का, उसमें श्रीमद् भागवत जी की कथा है, श्रीमद् भागवत जी का सत्संग है, उसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ है, श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र नाम का पाठ है, श्री द्वादश अक्षर मंत्र का जाप है, नारायण मंत्र का जाप है, नारायण कवच का पाठ है और जाप है। तो ये कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का, दोनों पक्ष जो अधिक मास के हैं, इनके दोनों अनुष्ठान पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण की आराधना है, एक विष्णु पुराण के माध्यम से और एक श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, और पूरे 2 महीना 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक, 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा से ही शुरू हो जाएगा ये, तो गुरु पूर्णिमा से लेकर के 31 अगस्त तक लगातार रोज़ नियम से भगवान शिव की उपासना, उनका श्रृंगार, आरती, भोग राग ये सब चलेगा। आप लोग सहर्ष आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक इस साधना में आमंत्रित हैं। जो लोग इस साधना में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपना नाम गोत्र और जो सेवा है वो आपको बता दी जाएगी, शुद्ध श्रावण मास की सेवा बता दी जाएगी, अधिक मास की सेवा बता दी जाएगी, और आप लोग इस सेवा का आनंद लीजिए भगवान की उपासना का। जो भी लोग भगवान शिव की आराधना करेंगे, उनके लिए पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, कम से कम 5 माला नित्य जाप करना है। जो यहाँ से दीक्षित हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, पहले बाबा का, फिर गुरु मंत्र का, उसके बाद पंचाक्षरी मंत्र का। तो इस प्रकार से जो पुरुषोत्तम मास की साधना है, उसमें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप है, वो 12 माला नियम से करना है। तो इस प्रकार हम लोग साधना का एक तैयारी के साथ चल रहे हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं, आइए भगवान श्री की आराधना करते हैं मिलजुल कर। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे, जय श्री राधे।